बस इतना कह सकती हूँ कि कब वो दिन आएगा। हेलो जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं शिल्पी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। सो गाइज, आज मैं जिस वीडियो पे करूँगी रिएक्ट, मैं उसमें खुद अपने आप में बहुत ज़्यादा हैप्पी थी, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ अपने अमृतसर हरमंदिर साहिब की। जी हाँ, साउथ के एक फिल्म स्टार जो कि दर्शन करने पहुँचे, वो भी अपनी पूरी फैमिली के साथ। कौन थे ये, तो चलिए फिर जानते हैं। मैं बात कर रही हूँ अल्लू अर्जुन जी की, जो साथ में ऐसा कोई ही बंदा ऐसा ही होगा जो शायद अल्लू अर्जुन जी को नहीं जानता, और वो पहुँचे स्पेशली अपनी पूरी फैमिली के साथ हमारे हर मंदिर अमृतसर दर्शन के लिए। तो चलिए फिर देखते हैं हम सब उनकी फैमिली को। और अगर आपको शब्द पसंद है, कीर्तन पसंद है, या सिख के कोई भी ऐतिहासिक योद्धा या उनकी स्टोरी पसंद है, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैंने उन पर भी रिएक्ट और देखा और सुना हुआ है। तो चलिए फिर बिना समय को गवाच कर लीजिए चैनल सब्सक्राइब, देन बेल आइकन को करिए ऑल पे प्रेस, ताकि मेरी आने वाली जितनी भी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। साउथ फिल्म वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। संगत जी, दिल को बड़ा सुकून आता है, दिल गदगद हो उठता है जब कुछ किसी दूसरे स्टेट से या दूसरे देश से श्री दरबार साहिब अमृतसर के दर्शन करने के लिए आता है। पिछले समय में बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर भी यहां पर पहुंचे, बड़े बड़े हीरो हीरोइन और बड़े बड़े राजसी नेता भी श्री दरबार साहिब अमृतसर में माथा टेकने के लिए पहुँचे। अगर कल की बात करें तो कल साउथ फिल्मों के एक सुपरस्टार, पुष्पा फिल्म के हीरो अल्लू अर्जुन, वो श्री दरबार साहिब अमृतसर अपने परिवार के समेत दर्शन करने के लिए पहुंचे। जब वो यहाँ पे पहुंचे तो उनकी एक बात देखने वाली थी कि जब भी हमारे स्टेट की, आज हमने एक वीडियो डाला था सुबह, कि जब मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी श्री दरबार साहिब अमृतसर में माथा टेकने पहुंची तो उनके साथ कितनी फोर्स थी, और वो कोई खास बड़ी पब्लिक फिगर भी नहीं है, और यहाँ पे ये एक साउथ के सुपरस्टार, बॉलीवुड में नाम है, हॉलीवुड में भी इनका नाम है। बिल्कुल, और इनके साथ कोई खास सिक्योरिटी नहीं, एक साधारण संगत की तरह इन्होंने लाइन में लग के माथा टेका, और कोई भी वीआईपी दर्शन इन्होंने नहीं किया, और ना ही इन्होंने किसी को कहा कि मुझे दूसरी तरफ से ले जाके माथा टिकाया जाए। क्योंकि आम तौर पे जब भी कोई बड़ा व्यक्ति या मंत्री या बड़ा गायक या फिल्मी हीरो आता है, तो वो जिस तरफ से संगत बाहर निकलती है माथा टेक के श्री दरबार साहिब से, उस तरफ से माथा टेकने के लिए उनको ले जाया जाता है। लेकिन ये बहुत ही साधारण और सरल तरीके के व्यक्ति, पढ़े लिखे और सूझवान व्यक्ति थे, और इन्होंने लाइन में लग के संगत के साथ ही माथा टेका। भगवान इनको हमेशा चढ़ती कला में रखे, गुरु रामदास जी इनके ऊपर हमेशा अपना मेहर भरा हाथ रखें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत अच्छा लगता है यार ये सब देख के, कि अपने देश के लोग तो, मतलब जो अपने स्टेट के लोग हैं वो तो नहीं समझते इम्पोर्टेंस, लेकिन बाहर के लोग जो है वो इतनी अहमियत देते हैं। बहुत अच्छा लगता है यार। मैं ना जब भी हरमंदिर के कुछ ऐसे मोमेंट्स देखती हूँ ना, तो मेरी आंखें एकदम से भर जाती है। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है, मतलब, और ख़ास तौर से अगर कोई सिख धर्म को इतना अच्छे से समझता है या उसको इज्जत देता है, और लगता है कि हाँ यार सच में एक्चुअल में इंसान जब कोई दिल से टच करता है ना, जैसे उन्होंने बताया कि उन्होंने कोई सिक्योरिटी नहीं रखी थी, उन्होंने कोई वीआईपी पास नहीं बनवाया कि नहीं मैं इतना बड़ा सिंगर हूँ या इतना बड़ा एक्टर हूँ तो मुझे ऐसे भीड़ में नहीं लगना है लोगों के साथ, ये होती है एक्चुअल सभ्यता। सच में बता रही हूँ, सोचिए वो दूसरे स्टेट से थे, फिर भी उन्होंने यहाँ पर आके अपना कोई शो ऑफ नहीं करा कि नहीं मैं यहाँ दर्शन कर रहा हूँ, मैं इतना बड़ा स्टार हूँ तो मुझे ऐसी वीआईपी वाली मतलब जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो करी जाएँ। तो बहुत, सच में ये मुझे बहुत अच्छा लगता है देख के। और जो अपने यहाँ के लोग होते हैं ना, उनका कैसा बर्ताव होता है, या जैसे उन्होंने खुद बताया कि सीएम की जो वाइफ आई हुई थी, जब उनकी सिक्योरिटी की बात की गई थी तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी, बट अगर हम किसी भगवान के दर्शन करने आते हैं ना, तो वो ऊपर वाला हमारे सर पे हाथ रखे हुए और उसके दर्शन करने जा रहे हैं, तो यार हमें किसी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए मन में। और फिर यहाँ हर मंदिर, जो मुझे नहीं लगता कि शायद ही हर एक दुनिया में यार हर एक पर्सन, हर एक व्यक्ति का ड्रीम होता होगा कि यहाँ पर आके दर्शन करें, और
मैं अगर अपनी बात करूँ ना कि मुझे यार इतना मुझे इतना लगाव हो गया इन सब चीज़ों से, मतलब मैंने जब से जो सिख के ऐतिहासिक जो गुरु हैं उनकी जब से वीडियो सुनना मतलब देखना स्टार्ट करा या शब्द वगैरह या हर मंदिर के एक्चुअल में दर्शन मैंने सुना और ज़रूर हुआ था, बट जब से मैंने इनकी वीडियो मतलब मेरे अंदर से ऐसा लगता है कि यार कब वो दिन आएगा मतलब कब वो दिन आएगा जब मैं एक्चुअल में वहाँ पर जा सकूँगी, क्योंकि मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मैं बोल नहीं पाऊँगी क्योंकि मुझे पता है मेरी जो दिल है ना वो भर गया है तो बस इतना कह सकती हूँ कि मेरा जो ये सपना है ना बहुत जल्द पूरा होगा, तो बस आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, और मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, टेक केयर एंड बाय।